असलम दिस इज़ नो सामा रिजवी एंड टूडे इन दिस एक्सप्ल द वीडियो वी गोइंग टू टॉक अबाउट आई एम एफ हम इसकी हिस्ट्री वेरी ब्रीफली इसकी वर्किंग इसकी पावर इसका इंफ्लुंस दुनिया में पॉलिसी मेकिंग पे एंड फाइनली इसके कुछ क्रिटिक को डिस्कस करेंगे वन बाई वन हिस्ट्री से शुरू करते हैं आई एम एफ वी ऑल नो स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मोनिट्री फंड ये नाइनटीन फोटी फोर में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के अंदर वजूद में आया था इसके साथ ही एक और बड़ा इम्पॉटेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसे वर्ल्ड बैंक कहते हैं मगर दोनों में बहुत फ़र्क है वर्ल्ड बैंक पावर्टी एलिविएशन को के लिए बना था आईएमएफ दुनिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंसी के एक्सचेंज रेट्स की स्टेबिलिटी और दीगर मामलों के लिए वजूद में आया था इसके पीछे जो बैक है वी वंस अगेन ऑल नो के नाइनटीन वर्ल्ड वॉर टू जब नाइनटीन तक, तक, तक तमाम दुनिया के ममालिक अपनी इकनॉमिक पोलिटिकल डिप्लोमेटिक पावर्स को एग्जॉस्ट कर चुके थे स्पेशली जब जंग होती है वॉर जैसे इकोनॉमी भी कहते हैं तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग आपका कैपिटल आपकी लेबर आपकी पॉलिसी सब कुछ जंग वॉर के लिए उसकी तरफ इंक्लाइन हो जाती है तो इसकी वजह से वन ऑफ द इफ़ेक्ट्स ये भी होता है कि आपके ट्रेड ख़त्म हो जाता है आपकी इकानमी सफ़र करती तो सब कंट्रीज़ मिली उन्होंने नाइनटी फो फोर में डिसाइड किया कि हम लोग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे जो कि पूरी दुनिया के इकोनॉमिक सिस्टम को रिवाइव करने के लिए हेल्प करेंगे उनको ओवर सी करेंगी तो आई एम एफ़ के तीन पर्पज़ेज़ थे यू कैन से फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये इसलिए बनाई गई कि ओवर सी कर सके इकनॉमिक डिवेलपमेंट को जिसके अंदर मॉनेटरी कोपरेशन सबसे सर फहरस्त था कि मतलब मोनिटरीली फिजली मतलब पैसों के लिहाज से आम जुबान के अंदर आपस में अच्छे तरीके से कोपरेट कर सकें दूसरा इसका करेंसी एक्सचेंज रेट्स की स्टेबिलिटी था पॉइंट कि मतलब करेंसी फ्लक्चुएशंस की वजह से हम पाकिस्तान में हैं श्रीलंका का हमने भी देखा सुना और पढ़ा तो करेंसी फ्लक्चुएशंस की वजह से बहुत ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंस होते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी इसको uh, बनाया गया एंड थर्डली लिक्विडिटी की क्राइसिस जो कि वंस अगेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से रिलेट करते हैं जो हमने अपनी वीडियोस में डिटेल्ड इसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि वो कैसे किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकते हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली उस चीज़ को भी कवर करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया 44 फोर मेम्बर्स थे जिन्होंने साइन सिग्नेटरी मेम्बर्स और राइट नाउ इट हैज़ 190 नाइन्टी मम्बर स्टेट्स इसका जो अब आप सोच रहे होंगे कि आई एक क्वेश्चन आता है कि आई ख़ुद पैसे कहाँ से लाता है तो आई का एक सिस्टम है उसे कोटा सब्सक्रिप्शन कहते हैं उसके अंदर मुख्तलफ़ कंट्रीज़ जो कि इसका पार्ट है वो अपने इस्तात के मुताबिक एज पर देर ओन सिस्टम और एज़ पर देर ओन इकॉनमी वो इसके अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं पैसे और उसी के कॉरस्पॉन्डिंगली उनको वोटिंग राइट्स पर मिलते हैं तो एक फ़ंड बन जाता है और उस फंड से फिर दूसरे ममालिकल्प की हेल्प की जाती है इसकी टोटल uh, जो एस्टिमेट है डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं बट सेफ टू से कि वन ट्रिलियन डॉलर्स तक की लैंडिंग जो फैसिलिटी है वो आई एम एफ प्रोवाइड कर सकता है एट अ पॉइंट टू डिफरेंट कंट्रीज जो इसके अंदर डिसीजन मेकिंग है वो वोटिंग की वजह से होती है ऑफ कोर्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स होल्ड्स 17 परसेंट ऑफ़ द टोटल फंड्स प्रोवाइड टू द आई एम एफ एटी थ्री बिलियन डॉलर यूनाइट स्टेट्स अकेला मुल्क प्रोवाइड करता है इसके अलावा जो इंडस्ट्रियलाइज इकानमीज़ हैं जिनमें आठ अकानमीज़ आती हैं कैनेडा यू के यू एस फ्रांस जर्मनी इटली ये दीज एट इकानमीज़ दे होल्ड फिफ्टी परसेंट ऑफ द वोटिंग राइट्स टूगेदर तो इस चीज़ को हाईलाइट करने का मकसद ये कि आप देखें कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विद इन दिस ऑर्गेनाइजेशन भी जो ए समिट्री ऑफ पावर कितनी है इट इज़ नॉट वेरी डेमोक्रेटिक राइट right. अब हम इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं मतलब हम वर्किंग की बात कर रहे हैं कि कोटा सब्सक्रिप्शन है इसके तीन फंक्शंज हैं आई एम एफ के सबसे पहला तो ये इट ओवरसीज इकनॉमिक डेवलपमेंट दूसरा है लैंडिंग का तीसरा है इकनॉमिक डेवलपमेंट को करने के साथ साथ लैंडिंग के साथ साथ ये कैपेसिटी बिल्डिंग भी करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ओवरसी करने का मकसद क्या है कि ये इनके जो सिस्टम्स हैं इनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हर वक्त देख रहे होते हैं कि कोई भी कंट्री अपनी जरूरत से ज़्यादा डेट के अंदर तो नहीं जा रही कुछ ऐसे मेजर्स तो नहीं ले रही कि जिसकी वजह से उनको आगे स्ट्रक्चरल इशूज़ का सामना करना पड़े और अगर वो ऐसे कर रही है तो फिर दूसरा पार्ट आता है विच इज़ लैंडिंग लैंडिंग के अंदर ऑफकोर्स ये लोन एक्सटेंड करते हैं उन कंट्रीज को जिनका स्पेशली बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होता है मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको बताया था कि ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ट्रेड डेफिसिट है फॉरन एक्सचेंज ये सब मिलकर क्राइसिस जिसको एक बिगर पिक्चर जो चीज़ है उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो कि आपके मुल्क में आने वाला पैसा माइनस जो आपके मुल्क से जा रहा है पैसा उसका जो रिज़ल्ट आता है ना वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होता है ठीक है तो ये उसको, उसको उसके लिए उसको सपोर्ट करने के लिए डेंड करता है एंड तीसरा इनके सेंटर्स हैं पूरी दुनिया में डिफरेंट तो उन सेंटर्स के थ्रू ये पॉलिसी मेकर्स को गवर्नमेंट्स को इंडिविजुअल्स को ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेन भी करते हैं रिसर्च uh, पेपर्स भी लिखते हैं एंड पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प करते हैं कैपेसिटी डेवलपमेंट इसके अंदर आ जाता है राइट अब इसके पोलिटिकल इन्फ्लुंस जो है उसके ऊपर हम लोग जितनी बात करें वो कम है एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस नाइनटीन में जब आया था मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको तो जो एशिया की कंट्रीज़ थी उन सब ने डिसाइड किया कि हम लोग ना एक 100 बिलियन डॉलर्स का फ़ंड बनाएंगे एंड जो भी हमारी इस वक्त इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज हैं हम उसको उस फंड से रिलेट उस फंड से सॉल्व करेंगे बट यूएस एस के ट्रेजरी सेक्रेटरी लेरी समर्स ही फ्लू ऑल द वे फ्राम द यू एस टू थाईलैंड उधर निगोसिएशन हो रही थी और उधर आके उसने कहा कि हम लोग ये आप लोगों को आई के थ्रू ही जाना है आप लोग खुद फंड नहीं बना सकते अच्छा एक और चीज़ इससे पहले कि हम क्रिटिक के अंदर मूव करें एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी आप अखबार में बहुत पढ़ेंगे आगे वो है ई एफ एफ एक्सटेंडेड फ़ंड फैसिलिटी ये भी जब आई एम एफ का मैंने आपको बताया कि किस तरीके से काम करता है इनके डिफरेंट टूल्स हैं इनकी डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं जिनके मुख्तिफ नाम हैं अब वी शुड नॉट गोइंग टू द डिटेल राइट नाउ बट उनमें से एक है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक ने भी सबसे ज़्यादा ली जाने वाली फैसिलिटी ये है ये फैसिलिटी क्या होती है लॉन्ग टर्म बेसिस पे लोन प्रोवाइड करते हैं आपके मुल्क में स्ट्रक्चरल इश्यूज़ को सॉल्व करने के करने के लिए जो कि स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की तरफ लेके जाते हैं तो इसके अंदर तीन साल का लोन मिलता है आपको जो कि एक्सटेंड हो जाता है चार साल तक एंड आपने इसको साढ़े से दस साल के दरमियान वापस करना होता है सेमी एनुल बाईन आप उसकी क्या कहते हैं इंस्टॉलमेंट्स देते हैं तो इस तरह आप इस एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का फ़ायदा उठाते हैं अभी अब मैं क्रिटिक के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं कि इन सब चीज़ों की बाहर तो देखने में बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है क्योंकि कोई कंट्री इकोनॉमिक डिस्ट्रेस के अंदर है तो उसको एक पैसे मिल जाते हैं जिस तरह एक आम इंडिविजुअल को मिलते हैं बैंक से बट इसके अंदर काफ़ी नूवेंस्ड चीज़ें हैं तो क्रिटिक के अंदर हम चलते हैं सबसे पहला पॉइंट जो है वो है किन्डिशनैलिटी का आई जब भी किसी कंट्री को लोन देता है तो उसके साथ कुछ कंडीशन अटैच करता है कंडीशन अटैच करना इन ऑफ इट एक बुरी चीज़ नहीं है पूरी दुनिया में ऐसा होता है बट वो कंडीशन जो कुछ जो वो कंडीशन एंटेल करती हैं वो उस कंट्री के लिए फ़ायदा करने के बजाय ये फैक्ट्स और फिगर्स बताती हैं वो ज़्यादा नुकसान कर देती हैं इसके अंदर सबसे पहली कंडीशन या ओवरऑल कंडीशन ऑस्टेरिटी की होती है हमने लफ्ज़ बड़ा सुना था जब इमरान खान की गवर्नमेंट भी आई थी तो ऑस्टेरिटी का लफ्ज़ सुना था इसका मतलब आपने अपना खर्चे रोक देने ओवर स्पेंड नहीं करना तो आयरन ये है कि जब कोई कंट्री आई के पास जा रही है वो इस पर्पज़ के लिए जा रही है सबसे पहले कि उसके पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए अपनी आम आवाम के लिए तो इनकी कंडिशनैलिटी में से एक कंडिशनलिटी ऑस्टेरिटी है जिसमें वो कहते हैं कि आपने गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर देनी है टैक्सेशन बढ़ा देनी है गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करने से क्या होता है कि जो नए स्कूल्स कॉलेजेस हॉस्पिटल्स रोड्स का जो काम होता है पीएसडीपी जो आपके बजट के अंदर होता है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम उसके अंदर से आपको कट ऑफ करना पड़ता है आपको सब्सिडीज़ हटानी पड़ती हैं आपको पेट्रोल प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जो कि अभी पाकिस्तान में हो रहा है पेट्रोल अभी बढ़ेगा इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ चुकी हैं और भी बढ़ेंगी और इसको हम अभी आगे आने वाली मजीद वीडियोज़ में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे पाकिस्तान केन्टेक्स में बट आपको ये सब मेजर्स देने पड़ते हैं एंड ऑन दी अदर हैंड आपको टैक्स बढ़ाना पड़ता है तो जो कॉमन मैन जो आम बंदा है उसके ऊपर इसका इफेक्ट नहायत ही बुरा होता है एडवर्स इफेक्ट होता है क्योंकि वो ऑलरेडी पैसे नहीं है और आप उसे टैक्स ज़्यादा ले रहे हैं तो वो और ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच के अंदर चला जाता है और पूरी अगर इंडिविजुअल का ये हाल है तो फिर पूरी इकोनॉमी का भी ये हाल होता है क्योंकि इनकी कंडीशनलिटी में सबसे मेन चीज़ होती है कि जो इन्होंने लोन दिया है उनको हम दे हैव टू इंश्योर इट दैट दे गेट इट बैक तो उसके लिए ये मेजर लेना पड़ता है इसके अलावा और भी बड़ी चीज़ें कैपिटल कंट्रोल्स करेंसी मैनिपलेसन मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनके डिफरेंट टूल्स होते हैं उनका डिफरेंट कॉन्टेक्ट होता है अभी हम डिटेल में बात नहीं करेंगे बट इसके अलावा भी काफ़ी इसकी क्रिटिक है इसके एग्जाम्पल लेते हैं अर्जेंटीना अर्जेंटीना के अंदर इन्होंने फिफ्टी बिलियन डॉलर प्लस अपना लार्जेस्ट एवर लोन दिया था एंड काफ़ी क्रिटिसिजम भी था बट डिस्पाइट आफ्टर गिविंग द लोन उनकी एम्प्लॉयमेंट फेल इन्फ्लेशन बढ़ती रही और जो डेफिसिट और जो क्राइसिस था वो बढ़ता रहा और भी बहुत अफ्रीकन कंट्रीज स्पेशली भरी पड़ी हैं एग्जांपल्स अगर आप सर्च करेंगे कि किस तरह फंड की फैसिलिटी मिलने के बावजूद कंट्रीज़ बेहतर होने के बजाय मजीद बदतर हो गए उनके हालात इसके अलावा एक और जो क्रिटिक आती है वो पोलिटिसन की मतलब कि इनकी जो आ, जो अपर लेवल के ऊपर मैनेजमेंट है जो सीनियर मैनेजमेंट है वो ज़्यादातर पॉलिटिशियंस हैं रिवॉल्विंग डोर्स उन्हें कहा जाता है कि वो पार्टी से निकल के इसमें आते हैं इसमें से निकल के पार्टी में जाते हैं एंड उनके अपने स्पेसिफ़िक एजेंडाज़ हैं अगर आप जोसफ स्टिगलट्स को पढ़ें जो कि वर्ल्ड बैंक के फॉर्मर चेयरमैन भी हैं नोबल लॉरियट भी हैं तो उन्होंने बड़े ही अच्छे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ वेरी इन अ नॉन वेरी एकेडमिक मैनर उन्होंने इस चीज़ को टैकल किया है कि आई के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं तो हम इनका उसका लिंक कुछ आर्टिकल्स का उसके बुक्स के लिंक्स भी मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन में तो उनसे ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा इसके अलावा इनका एक और क्रिटिक है सर चार्जेस का इनकी डिफरेंट फ़ीस होती हैं आपकी कोई भी एक्शन पे आप इनसे लोन लेते हैं मज़ीद या एक्सटेंड कराते हैं या थोड़ा सा प्रिंसिपल रीनीगोशिएट करते हैं तो आपको फ़ी पड़ती है टू से टू तक एंड दिस इज़ ड्यूरिंग द पेंडेमिक वन बिलियन डॉलर से टू बिलियन डॉलर डबल इंक्रीज़ हुआ इनकी सरचार्ज फीस के अंदर जो कंट्रीज़ हैं जिन जिन्होंने फ़ी दी है वो सिक्सटीन से थर्टी एट पर पहुँच गई हैं एंड ओवरऑल फोर बिलियन डॉलर्स ओवरऑल जितना भी इन्होंने लोन बर्स किया है आ, दिया है उसके अंदर फोर बिलियन डॉलर्स तक सिर्फ सरचार्ज चार्ज के सरचार्ज हैं उसकी अमाउंट है और अभी रिसेंटली पेंडेमिक में इन्होंने एटी फाइव कंट्रीज़ को लो इनकम कंट्रीज़ को एल आई सीज को इन्होंने अपनी फैसिलिटी दी थी लैंड किया था उसमें सेवेंटी थ्री को इन्होंने फोर्स किया कि वो आस्टैरिटी मेजर्स को इंप्लीमेंट करें फिस्कल uh, कंसोलिडेशन की फॉर्म में मतलब फिस्कल बजट को कहते हैं तो उसको कंसोलिडेट करने के फॉर्म में उन्होंने कहा कि इसको आप ऑस्टेरिटी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करें जिसकी वजह से हालात मज़ीद बदतर होते हैं इसके अलावा इनके ऊपर एक ये भी क्रिटिक है कि ये अपने एम्बिट से अपनी जुडिस्टिकेशन से बाहर निकल के काम करते हैं जिसमें मुल्कों की पोलिटिकल इकनॉमिक आइडियोलॉजीज़ को इफेक्ट करने तक का इल्ज़ाम इनके ऊपर है एंड इफ़ यू लुक एट डिफरेंट रिसर्च पेपर्स स्पेशली फ्राम सदन लेटिन अमेरिका आपको इसके प्रैक्टिकल रियल लाइफ प्रूफ्स भी मिलेंगे हाउएवर हम अगली वीडियोस के अंदर आईएमएफ का इफेक्ट पाकिस्तान के साथ अभी तक क्या रिलेशनशिप रहा है इसके अभी हम जो लेने जा रहे हैं खासतौर पर ई एफ एफ एक और उसका क्या इफ़ेक्ट होगा आगे इसको कवर करेंगे एंड लेटस नो इन द कमेंट्स वट डू यू थिंक